चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है 17। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, मैंने पहले एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना लिया, एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड डी सी। ए बी का मिड पॉइंट है एक्स, इसका मिड पॉइंट है एक्स और इसका मिड पॉइंट है वाई। ठीक है, बना लिया। ये एक सिमिलर इसके पहले वाला मैंने किया था वैसा ही है, मिलता जुलता क्या वही है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ए वाई एंड सी एक्स आर जॉइंड। ठीक है, जॉइन करो ए वाई, इसे ज्वाइन करना है और सी एक्स इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले प्रूफ करना है ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई नंबर वन। नंबर टू मुझे प्रूफ करना है पैरेलल ना। हाँ, ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई। ए एक्स पैरेलल सी वाई। और नंबर थर्ड प्रूफ करना होगा भाई ये एक पैरेललोग्राम है। ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा ठीक है, देखो ये तो मुझे गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकती हूँ कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है, देयर फोर ए बी इज इक्वल टू, ए बी जो होगा वो इक्वल होगा सी डी के। ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब एक्स जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ए एक्स जो होगा वो हाफ ए बी होगा, क्योंकि ये जो टोटल है ये मिड पॉइंट है तो ये हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ हाफ ए बी की जगह, सॉरी ए एक्स को मैं लिख सकती हूँ हाफ ए बी। तो दोनों तरफ हाफ कर दो हाफ ए बी, और इसे भी हाफ कर दो हाफ सी डी। अब हाफ ए बी, हाफ ए बी की जगह मैं लिख सकती हूँ ए एक्स, और हाफ सी डी की जगह मैं लिख सकती हूँ सी वाई, है ना। मतलब ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। नंबर वन मेरा प्रूफ हो गया। नंबर टू प्रूफ करना है ए एक्स और सी वाई पैरेलल है। अब ये टोटल, अगर ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन मेरा पैरेलल है तो इतना पार्ट तो पैरेलल हो गई, है ना। ये लाइन और ये लाइन पहले अब मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, पैरेलल प्रूफ करूंगी। तो ये मेरा पूरा पैरेलल है तो ये पैरेलल हो गई, तो मैं क्या लिखूंगी कि ए बी, सिंस ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, विच इम्प्लाई, ये इम्प्लाई क्या करेगा कि ए एक्स पैरेलल सी वाई। अब देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को मैंने इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव हो गया। सेम क्वेश्चन था, सिमिलर था जैसा मैंने इसके पहले किया था, नंबर 9 या 10 था ऐसे ही सेम इक्वेशन। अब करूंगी 18 नंबर। 18 नंबर भी दो तीन पार्ट में करना है, फटाफट देखो नंबर 18 क्या है। आज खत्म करेंगे हम इस एक्सरसाइज को, पूरा खत्म कर लेंगे। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फटाफट बनाओ। ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पॉइंट एम एंड एन लाइज इन द डायगोनल बी डी। सबसे पहले मुझे बी डी बनाना है, नाम दे दो ए बी सी डी। ये मुझे बनाना है बी डी, ये मैंने बनाया बी डी। ठीक है, अब ठीक लग रहा है, डीप डिप, ये मैंने बनाया बी डी। अब क्या बोला है? एम एन एन लाइज इन द डायगोनल बी डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू एन बी। यहाँ पे एक एम बनाया हुआ है, यहाँ पे एक एन बनाया हुआ है, एन बनाया हुआ है, सॉरी एन बनाया हुआ है, और ए एन को और एम सी को मिला दिया है। ये और ये मिला दिया गया है और बोल रहा है गिवन है मेरा डी एम इज इक्वल टू है बी एन का। ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। सबसे पहले पूछ रहा है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल डी एम सी एंड ट्रायंगल डी एम सी। देखो
डीएमसी इस ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और ये इधर भी मिलाया हुआ है, ये ऐसे भी है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। सबसे पहला मुझे लेना है ट्रायंगल डीएमसी, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है ट्रायंगल डीएमसी कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल डीएमसी और ट्रायंगल ये वाला लिया है ना, ये नीचे वाला क्या नाम है इसका, ए बी एन, ए बी एन ही है ना, एक बार चेक कर ले रही हूँ, ए बी एन, हाँ ए बी एन, ए ट्रायंगल ए बी एन, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है और दिखाना है सी एम इज इक्वल टू ए एन, सी एम इज इक्वल टू ए एन। चलो करते हैं, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को लेना है, ले लो इन ट्रायंगल डी एम सी, डी एम सी एंड ट्रायंगल डी एम सी लिया और ये ए बी एन, अच्छा ए बी एन, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखते हो क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में पहले ही बोल दिया है। तो नंबर वन मुझे मिल गया डी सी इज इक्वल टू ए बी, नंबर वन मिल गया। नंबर टू देखो, ये दोनों साइड पैरेलल हो गया। अब देखो ये वाला और ये वाला इक्वल ही मुझे गिवन ही है, डी एम इज इक्वल टू बी एन, यहां लिख लो गिवन, और यहां लिख लो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दो हो गया। और नंबर थर्ड, अब तो कोई साइड नहीं मिलेगा तो मैं एंगल लूंगी, देखो ये दोनों है ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा जेड फॉर्मेशन, तो एंगल सी डी एम इज इक्वल टू एंगल ए बी एन, देयरफोर ट्रायंगल डी एम सी कॉन्ग्रेंट हो गया मेरा ट्रायंगल ए बी एन बाय बाय साइड एंगल साइड। अच्छा ये याद रखना, साइड एंगल साइड में जो हम एंगल लेते वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, मतलब वो दोनों साइड के बीच वाला। तो देखो मेरा वैसे ही आया है, मैंने ये दोनों साइड लिया और ये इंक्लूडेड एंगल, इसने भी ये दोनों साइड लिया और ये इंक्लूडेड एंगल, तो ये मेरा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ करना था, दूसरा बोला था सी एम इज इक्वल टू ए एन, सी एम, सी एम इज इक्वल टू ए एन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर सी एम इज इक्वल टू सी एन, सॉरी ए एन बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। वैसे एक दो ट्रायंगल और है, उसे भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट को करेंगे अब। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सेकेंड पार्ट में मुझे दूसरा दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए एम डी दिया हुआ है इस बार, ए एम डी और ए एम डी, और ये वाला दिया हुआ है बी एन डी, बी एन सी, बी एन सी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। सेम इसी तरीका से करेंगे, लिखती हूँ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम डी, ए एम डी एंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है बी एन सी, बी एन सी, नंबर वन, नंबर वन क्या होगा, तो नंबर वन देखो मेरा वही सेम, ये साइड इसके इक्वल होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, नंबर टू ये वाला डी एम इज इक्वल टू बी एन, डी एम इज इक्वल टू बी एन। अच्छा ये आपका क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये लिख देना, यहाँ पे लिखेंगे गिवन और यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स, ठीक है। और नंबर थर्ड, नंबर थर्ड के लिए एंगल लेंगे, तो एंगल कौन कौन सा लेंगे, तो ये एंगल जेड फॉर्मेशन के हिसाब से, और कौन सा ट्रायंगल लेना था, ये एंगल और ये एंगल है ना, यानी एंगल स्टार बना दे रही हूं, ये वाला और ये वाला, इस एंगल का नाम है ए डी एम, एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम है सी बी एन, एंगल सी बी एन,
ठीक है, तो हो गया बस सेम। देयरफोर ट्रायंगल एएमडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीएनसी के, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसी हिसाब से मुझे इसमें भी यही दोनों दिया था, देयरफोर एएम इज इक्वल टू हो जाएगा सीएन के। देयरफोर एएम हो जाएगा सीएन के बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी के हिसाब से अब लास्ट बोला था ये बीच वाले को शायद पैरेललोग्राम प्रूव करना है। हाँ, ए एन सी एम इज अ पैरेललोग्राम, ए एम सी एन इज अ पैरेललोग्राम। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, तो नंबर वन देखो, पहला है, पहला मेरा आया था कि सी एम इज इक्वल टू, सी एम जो आया था वो ए एन के इक्वल आया था। और नंबर टू क्या आया, नंबर टू आया ए एम जो आया, ए एम जो आया वो सी एन के इक्वल आया, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफोर इट इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल नहीं लिख सकते क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। अब करेंगे हम सब नंबर 19, बात करते हैं नंबर 19। नंबर 19 देखो, इन अ गिवन फिगर एक रॉम्बस है, रॉम्बस बना लेते हैं। ए बी सी डी इज अ रॉम्बस, ठीक है, ये एक रॉम्बस है। और इन विच एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80, पहले जैसा जैसा डायग्राम है उसे बना लेती हूँ मैं। ये ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से दो है, एक डी बी पे मैच कर रहा है ऐसे, और एक जो है वो है डीएम, ये है ऐसे, ये है एम, ठीक है, ये है ओ, ये है पी, इसका नाम है पी, ठीक है। ये निकालना है मुझे एक्स, और ये था वाई, ये है वाई, ये है वाई, और ये दिया हुआ है 110, ये ना, ये दिया हुआ है 110, ठीक है। क्या बोल रहा है मैं एक बार बता देती हूँ, बोल रहा है इन अ गिवन फिगर, द गिवन फिगर शोज अ रॉम्बस, ये एक रॉम्बस है ए बी सी डी, इन विच एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80, फाइंड एक्स एंड वाई। बी सी डी, एंगल बी सी डी ये मेरे को दिया हुआ है 80 डिग्री, और मुझे फाइंड करना है एक्स और वाई, मतलब ये टोटल बी सी डी, ये टोटल दिया हुआ है 80 80, फाइंड करना है एंगल एक्स और एंगल वाई, ठीक है। ये एम इसका नेम है और ये एक्स ये डिग्री है, ठीक है। अच्छा आप देखो, जो रॉम्बस का जो डायगोनल होता है वो एंगल्स को इक्वली बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो ये वाला सी बाई टू होगा और ये वाला भी सी बाई टू होगा, मतलब टोटल अगर ये 80 है तो ये मेरा 40 आएगा और ये भी मेरा 40 आएगा। तो मैं लिख सकती हूँ डायगोनल ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट द एंगल, तो मेरा पी सी एम, एंगल पी सी एम आ जाएगा 80, है ना, ये टोटल 80, यानी ये आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, ये हो गया मेरा 40 डिग्री। अच्छा आप देखो, अगर ये एक ट्रायंगल है और ये दोनों को इंटीरियर एंगल बोला जाए तो ये एक एक्सटीरियर एंगल होता है, और एक एक्सटीरियर एंगल का जो वो एक जो बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि एक्स प्लस, ये एक्स है और ये मेरा आया 40, एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू होगा 110 डिग्री। अगर यहाँ से एक्स निकालू तो आएगा 110 माइनस 40, यानी कि 70 डिग्री, एक एक्स आ गया। अब मुझे वाई निकालना है, वाई के लिए मैं लूंगी ये ट्रायंगल। अच्छा अगर ये मेरा है टोटल 80 तो ये भी होगा 80, अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है, अपोजिट एंगल मेरा इक्वल होता है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री, मतलब ये आ गया 80 डिग्री, और
ये, अब ये कैसे निकालूंगी? तो एंगल ए प्लस एंगल बी है 180 डिग्री, तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 100 में से 80 माइनस करेंगे, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है ना, ये दोनों साइड पैरेलल है, रोम्बस का भी तो पैरेलल होता है, तो ये दोनों साइड मेरा पैरेलल है, मतलब ये है मेरा 180 में से 80 गया 100 डिग्री, ये आ गया मेरा 100 डिग्री। अगर ये 100 है तो ये b बाई टू, ये b बाई टू है, b बाई टू कितना होगा? एंगल b बाई टू हो जाएगा 50 डिग्री। अच्छा, अब इसको दो बेसिस पे आप कर सकते हो। पहला तो देखो, रोम्बस का साइड इक्वल है, तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, अगर ये 50 है तो ये भी हो जाएगा मेरा 50। एक वहां से कर सकते हो और ये ट्रायंगल लेके भी कर सकते हो, तो मैं सिमिलर वो साइड वाला ही कर दे रही हूँ। सिंस ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी और ए बी आपस में इक्वल है, देयर फोर एंगल ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। मतलब एक्स मेरा आ गया, एक्स क्या आया था? एक्स आया था 70 डिग्री, और वाई आ गया मेरा 50 डिग्री। क्लियर? इजी था, ये हो गया। अब करेंगे हम 20 नंबर, और दो सम है, फिर उसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। देखो 20, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक डायग्राम है, ये एक ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, जैसा था मैंने किया। अब और आगे जो जो है कर रही हूं, अब है ए बी सी डी, है ना, ये ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी है ये, और ये गिवन है 2x+25। जैसे जैसा गिवन लिखते जाओ, 2x+25 मेरे साथ साथ करो आप लोग भी। सेंटीमीटर, ये है जेड, ये गिवन है जेड, लिख दो। फिर ए सी ऐसे मिक्स मिला दो, ए सी को, ये दिया हुआ है 24, वो गिवन है 3y+5 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है 3y+5 डिग्री, और इधर वाला गिवन है y+9 डिग्री, इधर वाला गिवन है y+9 डिग्री, और ये साइड है 3x+14 सेंटीमीटर, 3x+14 सेंटीमीटर, ठीक है, बस यही गिवन है, और इससे हमको निकालना है, और कुछ बोला नहीं कि ये पैरेललोग्राम में क्या है क्या नहीं, बस बोला है फाइंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को आप फाइंड करो, और बस ये सिंबल बना दिया। सिंबल कैसा बनाया है? ये ऐसा और ये ऐसा, ये किसका सिंबल होता है? पैरेलल का, मतलब ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, मतलब ये क्या है? ये है मेरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, मतलब सिंस हम लिखेंगे, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है, और अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा, यानी ए बी और सी डी आपस में क्या हो जाएंगे? ए बी और सी डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया, अलग अलग कलर यूज कर रही हूँ, देयर फोर ए बी और सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी कितना है 2x+25 और सी डी है 3x+14। सॉल्व करो, इधर लाऊंगी तो ये माइनस एक्स, इधर से लेके जाऊंगी तो ये आ जाएगा 14 -25, माइनस करो, माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 में से 4 1, 2 में से 1 -11, यानी एक्स आ जाएगा मेरा, एक्स आ जाएगा मेरा 11, x का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट निकालना है y। अच्छा, अब ये देखो, ये हो गया तुम्हारा z बन रहा है, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। नंबर टू के लिए हम लिखेंगे y+9 डिग्री इज इक्वल टू 24 डिग्री। कहाँ से आया? तो यहाँ रीजन में आप लिख सकते हो ए बी पैरेलल सी डी, है ना, यहाँ से सॉल्व करो तो y आ जाएगा, 24 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 में से 9 गया 10 11 12 13 14 5, है ना, 15 हो गया, y आ गया। अब मुझे निकालना है z, z
जेड का है, जेड यहाँ है। अच्छा अब देखो ये है मेरा पैलेलोग्राम, पैलेलोग्राम का ए और बी ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ये कितना है, ये है अभी मैंने वाई निकाला था ना, इसे पुट नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेती हूँ एंगल, 3y प्लस 5 का वैल्यू निकाल लेती हूँ। y आया मेरा 15, 15 3 सा 45 और 5 50 डिग्री आ गया, 3y प्लस 5 आ गया 50 डिग्री, और ये है 24 डिग्री, यानी एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 24 डिग्री, प्लस करो 4, 5, 6, 7 यानी 74 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 74 डिग्री। माइनस करेंगे 10 में से 4 गया आपका आया 6, ये बचा 7, 7 में से 7 गया 0 और ये आया 106। मतलब z का वैल्यू आया, z इज इक्वल टू आ गया 106 डिग्री। xyz तीनों निकल गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब करते दो सम और है, लास्ट है 21। 21 देखो क्या है, करेंगे सम नंबर 21। देखो इन द फॉलोइंग फिगर इज अ रेक्टेंगल इन विच x इज टू y इज 3 इज टू 7। पहले एक रेक्टेंगल बना लेते, रेक्टेंगल का नेम नहीं था, मैंने नेम दे दिया, ठीक है। फिर देखिए करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाया है और उसमें ये ऐसे है और x और y, ये है y, ये है मेरा x, और x इज टू y गिवन है, क्या गिवन है, 3 इज टू 7, ठीक है। तो स्ट्रक रेक्टेंगल का नेम दे दो ए बी सी डी। अच्छा अब आप देखो इसमें एंगल बी, रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री है मेरा, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक रेक्टेंगल है और इस ट्रायंगल में सारा एंगल मिला के होगा 180। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एक्स प्लस वाई है 90 डिग्री और ये रेशियो में है, जब रेशियो गिवन रहे और रेशियो का सम गिवन रहे तो हम लोग अगर अलग अलग निकाल सकते हैं। देयरफॉर एंगल एक्स कितना हो जाएगा, 3 बाय नीचे में सम 10 इंटू 90 करो, 9 3 सा 27 डिग्री, और एंगल वाई भी आ जाएगा उसी तरह से 7 बाय 10 इंटू 90, 7 3 सा 63 डिग्री। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, सम नंबर 22। देखो 22 में क्या बोल रहा है कि एक गिवन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, गिवन एक फिगर है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो मेरा ए बी है वो इसी के पैरेलल है, ए बी जो है वो इसी के पैरेलल है और ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लो। तीसरा बोल रहा है ए ई बाइसेक्ट एंगल डी ए सी, डी ए सी को ए ई बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, पहला प्रूफ करना है ई ए सी ए बी ए सी बी के इक्वल होगा, मतलब ये एंगल, ये जो मैं कलर कर रही हूँ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। पहला प्रूविंग ये है। और दूसरा बोल रहा है ए बी सी डी इज ए बी, ए बी सी ई होगा, ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। और लास्ट बोला है कि ए बी सी ई को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन और ये लाइन मेरा पैरेलल नहीं है, अगर ये लाइन और ये लाइन मेरा पैरेलल होता तो ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, पर ऐसा है नहीं। हमने सीखा है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होते हैं, दो रहे तीन रहे, सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे DB मेरा एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर कितने सारे एंगल बन रहे, पहला बन रहा है DAE, दूसरा बन रहा है EAC एंड थर्ड है CAB। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ तो मेरा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो लिखेंगे एंगल DAE प्लस एंगल EAC प्लस एंगल CAB प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू होना चाहिए मेरा 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं लेट कर लूंगी, मैं लेट कर लेती हूँ, ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मेरे क्या हो जाएंगे, क्योंकि बार बार ये ABC EBC लिखना पड़ता है, कंफ्यूजन होता है, इसे हम लेट करके बनाते। ये दोनों इक्वल है तो दोनों को हम कुछ भी सेम लेट कर सकते हैं, इसे लेट कर लो ए
तो ये भी हो गया मेरा ए, और इसे लेट कर लेते हैं हम बी। ठीक है, लेट लेट एंगल डी ए ई ना, हाँ डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई ए सी इज इक्वल टू ए, इसे हमने क्या लेट कर लिया ए, और एंगल सी ए बी मेरा कितना है बी है, एंगल सी ए बी कितना हो गया बी लेट किया है हमने। तो अब पुट कर दो, ए इसकी जगह में आएगा ए, इसकी जगह में आएगा ए, और इसकी जगह में आएगा बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, मीन्स 2a प्लस बी हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये ट्रायंगल जो है वो मेरा क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल इक्वल होता है, मीन्स ये जितना होगा ये भी मेरा उतना ही होगा। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में कौन कौन से एंगल है, इस एंगल का नाम है बी ए सी बोलो चाहे सी ए बी बोलो, एंगल सी ए बी प्लस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए मिलाकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये तो मुझे बी पता ही है, और अभी क्या बोला मैंने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब इसका बेस एंगल इक्वल होगा, तो मैं कुछ लेट कर लेती हूँ, इसे भी मैंने लेट कर लिया एक्स, तो ये भी हो जाएगा मेरा एक्स, लिख लो। अच्छा पहले आप पुट कर देते फिर यहाँ साइड में लिख दूंगी, सी ए बी, सी ए बी ये तो मेरा बी है ही पहले से लेट किया हुआ, बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लेट लिखो लेट एंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ए बी सी और बी सी ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ये मैंने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आया बी प्लस टू एक्स इज इक्वल टू आया 180 डिग्री। देखो अब 2a प्लस बी भी 180 की इक्वल है और b प्लस 2x भी 180 की इक्वल है, मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। therefore जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो मेरा क्या आएगा 2a प्लस दिख रहा है ना, ठीक है 2a यहाँ पे करती हूँ, 2a प्लस b इज इक्वल टू आएगा मेरा b प्लस 2x का, b b आपस में कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू आएगा 2b के, मतलब 2 2b कैंसिल, आ गया मेरा a इज इक्वल टू b। अब a क्या था, a इज इक्वल टू b लिखा मैंने, सॉरी a इज इक्वल टू x, a इज इक्वल टू x। अब a क्या था मेरा, a था एंगल DAC, तो एंगल ई ए सी था मेरा ए जो कि आ गया, और एक्स हमने लेट किया था एंगल ए सी बी को, प्रूफ हो गया पहला वाला। देयरफोर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, प्रूफ कर दिया हमने पहला। अब देखो अब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों एंगल कौन से हुए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हुए, और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल तभी पॉसिबल है जब ये दोनों साइड क्या हो, आपस में पैरेलल हो। तो ये यानी इससे प्रूफ क्या हो गया कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। अब ये दोनों साइड पैरेलल था ही, इन दोनों साइड को हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया, मतलब ये क्या हो गया एक पैरेललोग्राम हो गया। मैं ये इरेज कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे लिखना पड़ेगा। देखो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, सो या विच इंप्लाइज, वो इंप्लाई क्या करेगा कि ए ई पैरेलल बी सी, ए ई पैरेलल बी सी एंड ए बी पैरेलल, ये तो पहले से ही है ए बी पैरेलल ई सी, देयरफॉर ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, ये मेरा क्या प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया।
इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश होता है। तो अब तक मुझे लगता है कि इतने सारे सम्स को सॉल्व करके आपके क्वाड्रिलेटरल को लेके जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका डाउट भी क्लियर हो सके। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे।